तो मिस्टर लियो, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। जरूरत नहीं है, सिर्फ शुगर लो हुई थी। शुगर लो हो गई थी? हाँ, मुझे तो लगता है ये एक बीमार सीईओ है। ओके, यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही साथ काम करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं शियन शैंग ग्रुप में तुम्हें एक सीनियर एम्प्लॉई बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है। इसे घर जाकर देखना और हैरान मत होना। क्या लिविंग असिस्टेंट? मिस्टर लियू, तेरी इतनी शांत लेडी भीम शांत। कम से कम इसी बहाने तू शियांग शांग कंपनी में तो घुस पाएगी। शांत हो जा, शांत हो जा। तू जानती नहीं उसने मेरी गैरत को ललकारा है। अब देखना, उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ऐसा कुछ मत करना, वो तेरा बॉस है। बॉस गया भाड़ में, एक नंबर का ठगी है। मिस्टर टैंग, ऑफिस तैयार हो गया है क्या? बिल्कुल तैयार है, मिस्टर यान आती ही होंगी। और मैं भी तैयार हूँ। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में रंग भरने वाले हैं। मिस्टर लियू, मैं आपकी कंपनी में फैशन डिजाइनर की जॉब के लिए आई थी। क्या आप बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिविंग असिस्टेंट क्यों लिखा है? क्या लिखने में कोई गलती हुई है? नहीं, लिखने में कोई गलती नहीं हुई। मिस्टर यान, तुम शियन सेंग ग्रुप की सीनियर एम्प्लॉई बनोगी, क्योंकि थाउजेंड सेंस ग्रुप में एक लिविंग असिस्टेंट होना मतलब सीनियर एम्प्लॉई होना। मतलब जानबूझकर किया? आई एम सॉरी, मुझे लिविंग असिस्टेंट बनना मंजूर नहीं है। गुड बाय। मिस टियान, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पेज पढ़ोगी तो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करना चाहोगी। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? दुनिया में आखिर पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? सब लोग आपके जैसे नहीं होते, हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते। मिस टियान, मेरा मानना है आज की दुनिया में पैसा 99% लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और बाकी 1% लोगों को उसकी इतनी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इसे अपनी काबिलियत की कीमत समझ सकती हो, इतना ज्यादा मत सोचो। मिस्टर लियू, अब बहुत हो गया। क्या आप खुद को कोई माफिया डॉन समझते हैं? और किसी से बात करते वक्त चश्मा पहनना बदतमीजी होती है। सोशल एटिकेट के नाम पर मेरा हाथ पकड़ना गलत था। आपको क्या लगता है मिस्टर लियू कि मुझ जैसी लड़की सिर्फ पैसे के चक्कर में आप जैसे पागल घटिया और बीमार आदमी का कोई निशाना बन सकती है? मैंने तो आपको पहले ही बताया था मैं बदतमीज हूँ, घटिया सोच वाला, पागल और बीमार आदमी हूँ। ये कह के मेरी बेइज्जती कर गई। गुस्से में तो इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो, लगता है वो गुस्से में है। उसे लगता है कि मैं उसे पैसे का लालच देकर पटाना चाहता हूँ। मिस डियान है तो बहुत ही गुस्से लड़की, तो क्या उसे लिविंग असिस्टेंट बनाना ठीक होगा? फिक्र मत करो, बस एक बार वो लिविंग असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे यहाँ के माहौल और अपने मुताबिक ढाल ही लूंगा। तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल इसी तरह, हम उसे बार बार ऑफर देंगे, क्योंकि पैसे का वार कभी भी खाली नहीं जाता है। राउंड वन। मिस्टर यान, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, एक बार और कॉन्ट्रैक्ट देख लो, चेहरा और खिल उठेगा। मिस्टर लियो, मैंने पिछली बार आपको अच्छे से समझाया था, लगता है आपको ठीक से सुनाई नहीं देता। नो, ऐसा नहीं है मिस्टर यान, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रहे हो। हर काम हो सकता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं
तो फिर मैं तुम जितनी भी रकम बोलोगी उतना पैसा देने के लिए राजी हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? मिस्टर न्यू, मैंने अपनी राय लिख दी है, पढ़ लीजिए। गुड बाय। सच कह रहा हूँ, कई बार खुद पे बहुत नाज होता है। मैंने देखा है मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ। मिस्टर टैंग, जरा पढ़कर बताइए मुझे हमारी असिस्टेंट ने क्या लिखा है। बिल्कुल, लेकिन साइन की जगह तो इसने कछुआ बना दिया मिस्टर लियू। पागल हो आप, मैं कितना डर गई थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तू मिस्टर यान, तुम्हारी लोकैलिटी में बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, बस इसीलिए ये जगह सेफ नहीं है। अगर तुम मेरा ऑफर मान लेती हो तो तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर कोई खतरा है तो वो सिर्फ आप हैं, समझ गए? मिस टियान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मेरे लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे और सैलरी की रकम भी बढ़ा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सही कह रहे हैं मिस टियान। असिस्टेंट टियान, आपकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा होगी। चाहते क्या है? मैं अमीर और सक्सेसफुल आदमी हूँ, तुमसे क्या चाहूंगा मैं, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो और कुछ ज्यादा ही गुस्सैल भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लिविंग असिस्टेंट बनकर रहो, बस। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंडरवर्ल्ड से क्या रात के वक्त चश्मा पहने स्टाइल मारा हर दिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर टैंग, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे इरादों में कोई कमी है? नहीं मिस्टर लियो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे तरीके में कोई कमी नहीं है। मिस टियान दिखने में सीधी सादी लगती है, मुझे लगता है वो आम जिंदगी जीती है और शायद ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करती, हो सकता है इसलिए हिचकिचा रही हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। राउंड थ्री। चॉपस्टिक के साथ वेस्टर्न फूड, प्लास्टिक के ग्लास में शैंपेन। मिस टियान, मैं जानता हूँ तुम फैसला लेने से थोड़ा हिचकिचा रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। खुद तो अजीब है ही और इसका सोचने का तरीका भी अजीब है। मिस्टर लियो, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे अपनी लिविंग असिस्टेंट बनाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतनी खास इंसान हूँ। मेरे ख्याल से तुम जानती नहीं हो, पर तुम मेरे लिए खास हो। अब ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास नहीं है, मैं यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया हूँ। मिस टियान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिस्टर लियू, ये सब बंद कीजिए, आपके नाटक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तीन बार। वो इतना पीछे क्यों पड़ा है? मुझे तो लगता है उसका कोई प्लान होगा। अगर मैं वहां से नहीं आती तो तुमने वो सीईओ के प्यार में पड़ने वाली जो स्टोरी सुनाई थी वह सच हो जाती। हद है यार। तू डर मत, मेरे पास एक आइडिया है उसकी साजिश से पर्दा हटाने का।
बस उसका प्लान पता लगा। अच्छा सुनो, लंच रेडी हो गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पापा का ख्याल भी रखने लग गई है। डैड, दरअसल ये मैंने लियू के लिए स्पेशली बनवाया है। अगर आपको खाना है तो उनसे कह दीजिए, वो आपके लिए बना देंगी। तुम भी ना, जब से वापस आई हो शिलाई के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझता। आप तो जानते ही है ना लियू कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, जा जाओ। ओके, बाय डैड, बाय। हाय लियू, कैसे हो? वेंशियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, मैंने हमेशा के लिए चाइना में रहने का फैसला किया है, तो मैं अक्सर तुम्हें मिलने यहाँ पर आती रहूंगी, तो तुम भी मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देना। मैंने ये अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच, मैं बाद में खा लूंगा। ये मैं इन्हें बाद में दे दूंगा। वेंशियन, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरे लिए एक शादी में जाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अभी तुम घर जाओ। एक्सक्यूज मी, प्लीज आइए। मिस्टर लियू, प्लीज रुकिए। माफ कीजिएगा, भूल गया था कि आप चाइनीज शादियों में नहीं जाते। अगर पता होता तो मैं वेस्टर्न स्टाइल शादी रख लेता। कोई बात नहीं, तुम जारी रखो, मैं बस बधाई देने के लिए आया था। तुम्हारा शादी का गिफ्ट टैंग अभी तुम्हें दे देगा। थैंक यू मिस्टर लियू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। होश यार, फोटोग्राफर है। ए रुक जाओ, तुम यही रुको, बाकी मेरे साथ आओ। चलो सबसे पहले अबे वो फोटोज दो जो तुमने खींचे हैं, नहीं तो अरे यार। ओके, कल मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। रोज, क्या तुम पापराज़ी का काम करने लगी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही इस अवार्ड का असली हकदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर जो लिखा है वो बदल दिया जाए। ये ऐसा क्यों करता है? आदमी थोड़ा सिंपल रहकर भी कॉन्फिडेंट दिख सकता है। नहीं टियान, तुम गलत हो। मैंने इसके पूरे खानदान के बारे में रिसर्च की है। ये कोई ऐसा वैसा आम आदमी नहीं है। 10 साल की उम्र में बाहर गया, आईवी लीग से ग्रेजुएशन की, 2 साल पहले चाइना में लियो ग्रुप ज्वाइन किया और 2 साल में टॉय इंडस्ट्री में शेंगशेंग ग्रुप को टॉप बनाया। 100 मिलियन की आसामी है, पर्सनैलिटी बेमिसाल है और इस इंडस्ट्री में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ बेवकूफ कहना बाकी रह गया। एलीट, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो विदेश में पला बड़ा है, हो सकता है इसी वजह से उसके सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। रुक जा, मैं तुझे कुछ और दिखाती हूँ। यकीन नहीं होता वो दूसरों की शादी में चाइनीज कैरेक्टर क्यों लगवा रहा है। कितनी घटिया बिजनेस स्ट्रेटजी है, दूसरे की शादी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। सलाम है उसकी सोच को। रोज, मेरी बात सुन, उसका पीछा करना छोड़ दे। ऐसे लोग बहुत अजीब होते हैं, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। तू अपना ख्याल रख, मिस्टर लियू को छोड़ तू बाकी लोगों से बचकर रह। रुक, ये पेपर स्प्रे रख ले। और तेरा क्या? मैंने मेकअप छोड़ दिया है, वो नहीं पहचानेंगे। हाय लियू, कैसे हो? यहाँ पास में ही एक नया वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुला है, अगर तुम कहो तो किसी दिन हम वहाँ साथ चल सकते हैं। I'm so sorry, Wenxian. आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये क्या बात हुई? इतना भी क्या बिजी हो कि मेरे साथ खाना खाने नहीं चल सकते? जब से आई हूँ तुम मेरे साथ कभी बाहर नहीं गए हो। ठीक है, बाहर जाने का प्रोग्राम मैं खुद अरेंज करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे जो खिलाओगे मैं खा लूंगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। परफेक्ट।
माफ कीजिए, लेकिन हमें इस फील्ड के तजुर्बेकार लोग चाहिए। I'm sorry, लेकिन आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हैं। आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हैं। आपको तो इलस्ट्रेटर की जॉब ढूंढनी चाहिए। क्या सजावट करवाई है, लगता है वो मुझे अब भी पसंद करता है। मिस्टर लियू, आप मिस टियांग के इंटरव्यूज के रिजल्ट जानना चाह रहे थे। मैंने सुना है कि उनके इंटरव्यूज अच्छे नहीं जा रहे हैं। इस क्वालिफिकेशन के साथ डिजाइनर की जॉब मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर छोटी कंपनीज में तो जॉब मिल ही जानी चाहिए थी। वहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? लगता है कोई उनकी राह में अड़चन डाल रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उसे मनाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर लियू। हो सकता है इसमें मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हो। उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहो। ठीक है। लगता है वो आ गया। कोई जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? मुझसे बढ़कर कौन सा काम जरूरी है? पता नहीं मुझे, मिस्टर लियू ने बताया नहीं है। जरूर उसी के पास गया होगा। अब कुछ करना पड़ेगा। हाय। सुनो, तुम वापस कब तक आ रहे हो? मुझे पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। बात क्या है? जल्दी वापस आओ ना, कितने साल हो गए हम तीनों मिले ही नहीं है, और वैसे भी तुम वहाँ पर अकेले रहते हो, तो जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं, तुम्हारा वेट करूँगी। क्या मैं सच में ये नहीं कर सकती? कोई भी बड़ी कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। तुम गलत समझ रहे हो मुझे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, दोबारा मेरा पीछा मत कीजिए। मिस टियांग, अगर तुम इंटरव्यूज के रिजल्ट से परेशान हो तो पहले की तरह मेरा ऑफर तुम्हारे लिए अब भी ओपन है। आपको कैसे पता? मतलब वो आप थे। अजीब इत्तेफाक है ना, मुझे कुछ कंपनीज ने मना कर दिया कि मैं डिजाइनर नहीं बन सकती। अब खुश? मिस टियांग, सपनों से बाहर भी जिंदगी है जो जीनी चाहिए, इसलिए मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम उसे छोड़कर अभी तक अपने सपने पूरे करने की जिद पर आखिर क्यों अड़ी हो। मेरी जिंदगी की फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरी मुश्किलें कैसे हल होंगी, और मैं उन्हें हल करके ही रहूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। जी नहीं, आप जैसे लोग जो पैदाइशी अमीर होते हैं, आप नहीं समझ पाओगे कि आम इंसान को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आप जैसे लोगों को हमें जिंदगी जीना सिखाने की जरूरत नहीं। क्यों, हम जैसों की क्या गलती है? और हम जैसों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की फिक्र है, और मेरे सर पर शिनचैंग ग्रुप के सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। कितने लोगों की नजर है मुझ पर जो चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता। छोड़िए मुझे, आप नहीं जानते इतनी बारिश में चश्मा पहन कर रखा है, आपको देखकर चिड़ मच रही है। छोड़िए मुझे, छोड़िए। याद रहे, दोबारा मेरे सामने बताइएगा।
क्या मिस्टर लियू को कोई बीमारी है? इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो जाते हैं? दरअसल इनको लो शुगर की प्रॉब्लम है। इन्हें लो शुगर है? हाँ? एक काम करना, जब इन्हें होश आ जाए तो बोला मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं करूंगी, बस आइंदा मुझे तंग ना करे। मिस्टर यान, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैंने खुद इस बारे में छानबीन की है। दरअसल आपका मुजरिम मिस्टर लियू नहीं है बल्कि मिस्टर केविन है। केविन? एक डिजाइनर ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक डिजाइनर है, सालों से इंडस्ट्री में है और उसकी बहुत जान पहचान भी है, तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। मिस्टर लियू, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं अब ठीक हूँ। मिस्टर यान, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तो वो आप नहीं थे? ऑफ कोर्स मैं नहीं था, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया? अगर तुम्हारा बस चलता तो मुझे पीट देती और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, मेरा मूड बहुत खराब था तो गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, भले ही मैंने ये नहीं किया है लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। मुझे उसे कभी हायर ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। मिस्टर टैंग, आज के बाद केविन इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देना चाहिए, समझ गए ना? समझ गया, आपका काम हो जाएगा। मिस्टर यान, क्या तुम अब खुश हो? वैसे माफी मुझे भी मांगनी चाहिए, बिना कुछ सुने मुझे आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जल्दी ठीक हो जाइए, गुड बाय। हाँ, एक और बात कहनी है, आप कमजोर हैं, इसलिए आइंदा मुझसे आप पंगा लेने की गलती कभी मत करना। मैं और कमजोर? बिल्कुल भी नहीं। अभी अपने सिक्स पैक्स दिखाऊं क्या? प्लीज याद रखिएगा, वार्ड नंबर 301 में लाल रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फिलहाल के लिए ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल भी मत करना। हॉस्पिटल में भी शो ऑफ, पेशेंट को ब्लड देकर घबराहट होती है क्या? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। घबराहट होती है? मिस्टर यान, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा वक्त मेरे साथ रहो, हाथ मत छोड़ना एक सेकंड के लिए भी नहीं। तुम सच में सीईओ हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहली बार देख रहे हो? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूँ, अब मेरे पास जादुई ताकत है। जादुई ताकत? इसका मतलब वो यहाँ वापस क्यों आई हो? तो आपको रेड फोबिया है और उसका इलाज मैं हूँ। मैं चलियो, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला। आप लगे रहो, मैं बाद में आता हूँ। मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही। इससे भी अजीब चीज दिखाती हूँ। कभी ग्रीन सांता क्लॉस देखा है? मिस्टर टैंग, स्माइल करो। सब तैयार? स्टार्ट। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे,
Santa Claus is coming to town, riding all his way. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding all the way. Hey, jingle, hey!